ओके कल जो है हमने काफी सारी चीजें बेसिकली जो लोग नए हैं और आज ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को उन लोगों के लिए बता दूं, कल भी हमने कई सारी चीजें कवर अप करी हैं। मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वापस टाइम वही यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करे थे। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया था, राइट, कि आपको नेटवर्किंग फील्ड के अंदर क्यों आना चाहिए, इस फील्ड के अंदर आके आपका करियर जो है वो कैसा हो सकता है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। और फिर उसके बाद में हमने जो है बेसिक नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा चीजों को देखा था, समझा था। फिर उसके बाद में आईपी एड्रेसेस जो हैं ये आपके कितनी तरह के होते हैं और इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि सबनेटिंग की बात करी थी हमने यहाँ पर कल। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारा IPv4 एड्रेस के अंदर, जिसमें होता है समराइजेशन, ये भी हमने कल थोड़ा डिटेल में देखा। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू राउटर चेक करा था। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू राउटर कंप्लीट करने के बाद हमने टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स का देखा था हमने, ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हमने देखा था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो ये हमने कवर अप करा था, प्रोटोकॉल, ठीक है, इन पे हमने देखा था और मैंने वो सारी चीजें बताई। फिर उसके बाद में मैंने कुछ जो है स्टैटिक राउटिंग के बेसिस पे जो है कॉन्फिगर करके दिखाया था कि स्टैटिक राउटिंग जो है वो किस तरह से कॉन्फिगर होती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन टू डायनामिक राउटिंग जो है ये मैंने यहाँ पर बताया था, जिन लोगों ने ज्वाइन करा था उन लोगों को पता होगा। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल जो कि एक अगेन डायनेमिक प्रोटोकॉल है, तो EIGRP प्रोटोकॉल को भी मैंने कॉन्फ़िगर करके बताया था। इसके बाद मैंने एक जो है, अगर ये तो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे कवर अप करा था फास्ट रन के अंदर, जिसमें अगर आप में से कुछ लोग जो है पेड कोर्सेज करना चाहते हैं मेरे साथ में, जिसके अंदर नेटवर्किंग मास्टरी कोर्स था, जिसके अंदर जो है हम कई सारी चीजें कवर करते हैं, जैसे कि बेसिक नेटवर्किंग हम कवर करते हैं नेटवर्किंग मास्टरी कोर्स के अंदर, CCNA 200 301 जो सिस्को का ऑफिशियल सिलेबस है उसको कवर करते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कवर करता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ पूरा कोर्स है, जिसके अंदर मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है रियल नेटवर्क्स के अंदर काम करने का, जहाँ मैंने वहाँ पे ऑटोमेशंस करे हैं, नेटवर्क डिजाइनिंग करा है, तो उसमें कई सारी चीजें होती है हमारे करने के लिए, तो वो सारी चीजें मैं इसके अंदर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के अंदर करवाता हूँ। बेसिकली इसकी जो कॉस्ट है वो अगर इन तीनों कोर्स की अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो मार्केट वैल्यू 15,000 से ज्यादा है, बट फिर भी मैं यहाँ पर जो है इन सभी को करवाने के लिए जो है एक CCNA का आपको पे करना होता है और ये बेसिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपको फ्री में मिल जाते हैं इसके साथ में। लेकिन फिर भी जो कल जो है मैंने 50% डिस्काउंट ऑफर करा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है इस कोर्स को ज्वाइन करा है, आज एनरोल कर चुके हैं, और अगर आप में से भी कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ये कोर्स आज का जो लेक्चर है हमारा ये कंप्लीट होने के बाद आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर 8319893647 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में आपका सिर्फ नेम एंड ईमेल आईडी भेजना है, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं। ये डिस्काउंट जो है 50% अगर आप ज्वाइन करना तो आज मिडनाइट तक है, कल ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हमने कल कवर अप करा था, आज हम इसमें और एडवांस में बढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली डायनेमिक राउटिंग के अंदर जो है जो सबसे ज्यादा हमारे यूज होते हैं वो उसमें है एक तो आपका EIGRP और दूसरा होता है OSPF, ठीक है। ये आपके दोनों कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपके डायनेमिक IGP प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। IGP कहने का मतलब है इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल्स, जो हमारे ISPs वगैरह हैं, राइट, तो
और कई सारे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने अपने ऑफिसेज को कनेक्ट करने के लिए जो है इन प्रोटोकॉल्स का हेल्प लेती हैं और इसके जरिए ही काम करा जाता है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें अगर हम ईआरजीआरपी की बात करें, ईआरजीआरपी की एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है कि अगर आप ईआरजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 255 राउटर तक ही जो है आप इस नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा राउटर जो है आप यूज नहीं कर सकते। ये एक इसकी ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर इसकी एक लिमिटेशन कह लीजिए। वहीं पे अगर आपके कोई ऐसा नेटवर्क डिजाइन करना जिसमें 255 राउटर से ज्यादा है तो आप जो है यहाँ पे ओएसपीएफ का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं अनलिमिटेड राउटर्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक कंपनी हो और आपके कंपनी के अंदर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क है तो आप ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के जरिए जो है पूरा नेटवर्क रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी कोई राउटर की लिमिटेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई राउटर की लिमिटेशंस नहीं बताई गई हैं ओएसपीएफ के अंदर, तो यहाँ पे ओएसपीएफ जो है आपका अनलिमिटेड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, हमें यहाँ पर जो ओएसपीएफ है वो एरिया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, यहाँ पे इसको एरिया कॉन्सेप्ट के तहत जो है डिजाइन करा गया है। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बता पाऊं कि ओएसपीएफ जो है वो एरिया कॉन्सेप्ट में क्यों डिजाइन करा गया। और इसको कभी भी आप ओएसपीएफ के साथ में काम करो या नेटवर्क डिजाइन करने का कभी आपको मौका मिले ओएसपीएफ के जरिए तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओएसपीएफ का एरिया कॉन्सेप्ट के बारे में। ओएसपीएफ का एरिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं अभी बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे राउटर हमारे पास अनलिमिटेड राउटर्स हैं, मतलब राउटर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे अनलिमिटेड राउटर्स होंगे तो यहाँ पर एरिया कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया ओएसपीएफ के अंदर वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये राउटर जो है वो हमारे कुछ इस तरह से आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं, पूरा फुल रिडंडेंसी के बेसिस पे ऊपर में इनका कनेक्टिविटी होती है। तो ऐसे में अगर ये सारे के सारे इसी तरह से कनेक्ट रहेंगे तो हर राउटर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरे राउटर तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे राउटर तक पहुंचाता रहे, ठीक है। अब ऐसे में जब एक राउटर दूसरे राउटर को अपनी इंफॉर्मेशन देता है, फिर दूसरा राउटर जो है वो तीसरे को देता है, ऐसे करते करते इन सभी राउटर का एक होता है राउटिंग टेबल, ठीक है। उस राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, एक लिमिटेड मेमोरी होती है, और एक लिमिटेड मेमोरी में क्या होगा कि अगर ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन तो है नहीं, जब ये सारे राउटर अगर आप विदाउट एनी एरिया अगर आप डायरेक्टली कॉन्फिगर कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो हर राउटर की जो मेमोरी है वो कम पड़ जाएगी राउटर की आपस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, राइट। एग्जाम्पल के लिए ये राउटिंग टेबल करता क्या है वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीजों में समझाता हूं। मैं तो सिंपल चीजों में ये है, अगर सपोज कर लो कि आपके जो है मोबाइल फोन के अंदर आप जो कॉन्टेक्ट नंबर्स जो है स्टोर करते हैं, राइट, तो वहां पर वो जो कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर हो रहे हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं, हमारे मोबाइल की मेमोरीज के अंदर हो रहे हैं, राइट। वहीं पे अगर आपका फोटो आपने कुछ डाल दी है, कुछ फोटो खींच के आपने मोबाइल के अंदर रख ली, तो वहां पे वो फोटो जो है वो स्टोर कहाँ पे हुई है, आपकी मेमोरी, आपका जो मोबाइल की जो मेमोरी है उसके अंदर उसने स्टोर करा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन के अंदर 64 GB का स्पेस है, लेकिन वो भले ही यहाँ पे 64 GB का स्पेस है लेकिन फिर भी वो क्या होता है, एक सर्टन टाइम फ्रेम के बाद ऑक्यूपाइड हो जाता है, पूरा फुल पैक हो जाता है। जैसे ही आपकी ये पूरा 64 GB कंप्लीट हो गया, फिर आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल फोन का ऑपरेट करोगे आप उसको तो वो बहुत स्लो जो है ऑपरेट होगा, हैंग होगा, राइट। अगर आप कोई दूसरी इमेज का पिक्चर क्लिक करना चाहोगे तो वो इमेज नहीं क्लिक हो पाएगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव नहीं कर पाओगे, आपका जो ईमेल है उसके ऊपर कोई आप ईमेल नहीं रिसीव कर पाओगे, तो जो भी एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर वो कुछ भी आप नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी इंटरनल मेमोरी आपने फुल कर दी है। तो सेम चीज हमारे जो है यहाँ पे राउटर्स के अंदर भी एप्लीकेबल होती है,
राउटर्स के अंदर भी एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है, ठीक है, और उस मेमोरी के जरिए क्या करा जाता है, पूरा नेटवर्क को पूरा आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखते हैं। तो जब ये मेमोरी स्टोर हो गई, सपोज कर लो कि यहां से लेकर यहां तक के राउटर सारे आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, इनकी सभी की मेमोरी फुल हो गई, राइट, क्योंकि हर राउटर के पास इक्वल इंफॉर्मेशन होगी, तो ये सभी की मेमोरी फुल हो गई। अब ऐसे में आप एक ये नया राउटर कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आप ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने यहाँ पे केबल कनेक्ट कर दी, केबल तो कनेक्ट कर दी आपने, लेकिन इस राउटर की इंफॉर्मेशन इन बाकी राउटर्स के पास नहीं है। अगर इसके पास कोई भी एक एक्स नेटवर्क है, राइट, तो इन राउटर्स को इस एक्स नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई भी डेटा इस राउटर के पास या इस राउटर के पास या इस राउटर के पास या किसी भी नेटवर्क के किसी भी राउटर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, किसके लिए, एक्स नेटवर्क के लिए, तो यहाँ पर ये एक्स नेटवर्क तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब भी हमारे राउटर काम करते हैं, वो कैसे, वो अपने राउटिंग टेबल को देखते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे ये पास आऊं और मैं बोलूं कि भाई राहुल का नंबर दे दो, अब आप राहुल का नंबर आपके पास है न, तो आप दे दोगे, लेकिन आपके पास है ही नहीं है नंबर, तो आप कैसे दोगे, नहीं दे सकते। तो सेम चीज यहाँ पर राउटर पे होती है कि इनके राउटिंग टेबल के अंदर अगर इंफॉर्मेशन एक्स नेटवर्क के बारे में है, तब तो इसको पता होगा कि कहाँ से डिटेल भेजनी है और कहाँ को भेजनी है। अगर वो डिटेल इसके राउटिंग टेबल के अंदर नहीं होगी एंट्री, तो ये डिटेल नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। इसीलिए ओएसपीएफ के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया कॉन्सेप्ट, एरिया कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कुछ बंच ऑफ राउटर्स को हम क्या करते हैं, एक अलग ग्रुप में डिफाइन कर देते हैं। तो अलग ग्रुप में जब हम डिफाइन कर देते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, जितना भी बड़ा हमारा नेटवर्क है, सारे नेटवर्क को हम इसी तरह से अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्रिएट कर देते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं, और इनको हम बोलते हैं एरिया, राइट। अलग अलग जो ग्रुप है, एक एरिया जीरो बना दिया, एक को हमने एरिया वन बना दिया, एक को एरिया टू बना दिया, ऐसे करके हम क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज क्रिएट कर देते हैं, और फिर एरिया क्रिएट करने के बाद हम एरिया टू एरिया जो है इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ओएसपीएफ के अंदर एक चीज आपको मैंडेटरी होती है, एरिया जीरो डिफाइन करना। एरिया जीरो जो है वो आपके ओएसपीएफ का बैकबोन है, राइट। अगर बैकबोन जो नहीं होगा, यानी कि आपने ओएसपीएफ नेटवर्क के अंदर बाकी सारे एरिया क्रिएट कर दिए, लेकिन एरिया जीरो क्रिएट नहीं करा, इन दैट केस आपका ओएसपीएफ को यहाँ पे आपने वन और टू को दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट भी कर दिया, उसके बावजूद भी ये दोनों नेटवर्क आपका एरिया वन और एरिया टू, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो बैकबोन एरिया डिफाइन किया गया है एरिया जीरो, वो आपने क्रिएट नहीं करा। और यहाँ पर आपको हमेशा नेटवर्क डिजाइन करते वक्त हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो एरिया जीरो है, ठीक है, मैं यहाँ से ये सब रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरिया, ये है आपका एरिया जीरो, यहाँ पे आपने एक एरिया बनाया, तो ये आपका एरिया नंबर वन है, यहाँ पे एक एरिया बनाया, ठीक है, इसको आपने एरिया नंबर टू दे दिया, यहाँ पर एक एरिया बनाया और उसको आपने एरिया नंबर फोर दे दिया, यहाँ पे एक एरिया बनाया उसको आपने एरिया नंबर थ्री दे दिया। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर आप एरिया वन को डायरेक्टली एरिया जीरो से कनेक्ट करते हो और एरिया जीरो को एरिया टू से डायरेक्टली कनेक्ट करते हो, तो ये तो आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। अब क्योंकि एरिया वन जो है वो एरिया जीरो के साथ में कनेक्टेड है, तो ये इजीली एरिया टू के साथ में भी कम्युनिकेट हो जाएगा, और एरिया टू जो है वो डायरेक्टली एरिया जीरो से कनेक्टेड है, तो एरिया जीरो जो है इसका कम्युनिकेशन एरिया वन के साथ भी करवा देगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली एरिया वन एंड एरिया फोर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिजाइन करा है, तो इसीलिए आपको कभी भी ओएसपीएफ कॉन्फिगर करते वक्त जो है डिजाइनिंग करते वक्त इसके नेटवर्क की ये ध्यान रखना होता है, चाहे फिर वर्चुअली या फिर फिजिकली, हमें जो है ये सारे एरिया को डायरेक्टली एरिया जीरो के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो अगर ये नहीं करोगे तो आपका एरिया जो है डायरेक्टली आपस में कनेक्ट होने के बावजूद भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। एरिया जीरो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया, ओएसपीएफ जो है हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है,
तो आप इसको जो है अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आता है, हमने नेटवर्क तो डिजाइन कर लिया, लेकिन नेटवर्क की बात आती है जब सिक्योरिटी करने की, ठीक है ना। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात आती है तो सिक्योरिटी के अंदर तो जितने भी पैरामीटर्स हों उतने यहाँ पर कम पड़ते हैं, राइट। अगर आप लोग में से कोई आर्मी में गया हो, ठीक है, आर्मी में गया हो तो आपको आर्मी में एक चीज देखने को मिली होगी, वो क्या है कि वहां पे मल्टीपल सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ आप लोगों को, आर्मी का एक एग्जांपल लेके सपोज कर लो कि ये आपका आर्मी का एरिया है पूरा, और यहाँ पर एक ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर आपको जाना है, और आप अगर गेट पे पहुंचे इनके, यहाँ पर अगर गेट है तो गेट पे पहुंचे तो गेट पे आपको पहले चेक किया जाएगा किससे मिलना है, क्या है, परमिशन है कि नहीं है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये आपका सिक्योरिटी पॉइंट वन हो गया, तो यहाँ पे आपकी चेकिंग हुई। यहां से अब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे मालूम पड़ा कि एक और सिक्योरिटी पॉइंट आ गया इनका, यहाँ से आपको फिर ये आपका सिक्योरिटी पॉइंट टू आ गया, फिर यहाँ से आगे गए आपने जाके यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट थ्री आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ से आप फिर इस ऑफिस की तरफ गए तो यहाँ पे ऑफिस के पास फिर आपके पास सिक्योरिटी पॉइंट फोर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आर्मी कैसे काम करती है ये नहीं सिखा रहा हूं, यहाँ पर हमारा नेटवर्क भी कुछ इसी तरह से, अगर आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फील्ड में हो, वर्चुअलाइजेशन में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी फील्ड में जाएं, तो लेकिन आपको हमेशा एक चीज पे फोकस करना होता है कि हम जिस भी फील्ड के अंदर उतरें, जिस भी डोमेन के अंदर हम काम करें, उसका पूरा नॉलेज हमारे पास होना इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से एनालाइज करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी या नेटवर्क इंजीनियर भी बनते हैं तो इन दैट केस आपको करना क्या है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, एक कोई भी हम जनरली क्या करते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक फायरवॉल लगा देते हैं, हमारा कोई भी नेटवर्क है उसके अंदर एक फायरवॉल इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे हम फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने क्या कर दिया, फायरवॉल लगा दिया है तो अब हमारा नेटवर्क सिक्योर है। गाइज ऐसा नहीं है, नेटवर्क के अंदर भी हमें जो है हमारे डेटा की सिक्योरिटी बनाने के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने फायरवॉल भी लगा के रखा है, आपके पास राउटर है तो मैं बोलता हूँ राउटर के ऊपर में भी जो भी आपके पास ECLs वगैरह हैं आप उनका इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर आपके जो एंड कंप्यूटर्स हैं उन एंड कंप्यूटर्स के ऊपर में भी आप क्या करो, एंटीवायरस का इस्तेमाल करो। एंटीवायरस में भी आपको कौन से वाले लेने हैं, लाइसेंस वाले लेने हैं। कई बार हम क्या करते हैं, फायरवॉल हमारे पास पेड वाला है, राइट, राउटर के ऊपर हमने ACL इम्प्लीमेंट कर दिए, लेकिन एंड डिवाइस के ऊपर जो हमारा कंप्यूटर है जहां पे एक्चुअली काम हो रहा है वहां पे हम क्या करते हैं, एक पायरेटेड एंटीवायरस डाल देते हैं, तो ये चीज हमारे लिए गलत साबित हो जाती है। तो इसीलिए आपको बींग अ नेटवर्क इंजीनियर जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट्स हम क्रिएट कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो अब जो है मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे ACL आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। ACL में भी कई तरह के ACLs आते हैं, एक आता है आपका स्टैंडर्ड ACL, ठीक है, स्टैंडर्ड ACL, और दूसरा आपका आता है यहाँ पे एक्सटेंडेड ACL, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के अंदर भी आपके पास दो आते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड नंबर ACL, दूसरा होता है यहाँ पे, दूसरा है आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड नेम्ड ACL, ठीक है। वैसे ही आपके पास एक्सटेंडेड की अगर बात करें तो एक्सटेंडेड के अंदर भी आपके जो है यहाँ पे एक नंबर ACL होता है और दूसरा जो है आपके पास यहाँ पे होता है वो आपका एक्सटेंडेड नेम्ड ACL होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे IPv4 के अंदर, IPv6 की बात करें तो IPv6 के अंदर जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड नेम्ड ACL जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका एडवांस है, ये कंपेयर टू आपका स्टैंडर्ड जो है एक्सटेंडेड नेम्ड जो है वो आपका यहाँ पे काफी एडवांस है। नंबर में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन हमारे एक्सटेंडेड के अंदर जो है कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है।
अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा नेटवर्क डिजाइन करते हैं और मैं आपको स्टैंडर्ड नंबर ACL जो है वो किस तरह से इंप्लीमेंट करा जाता है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि अगर आपके, आई डोंट नो कि आप लोगों के पास कितना नॉलेज है कितना नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तो गाइस यहाँ पर जो है नेटवर्क्स के अंदर हमेशा उन्हीं लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं नेटवर्किंग के अंदर, सिर्फ वही लोग आए जिनको चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत हो। अगर आप चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे आप जो है आके फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क के अंदर वही इक्विपमेंट होते हैं हमारे डेली बेसिस पे, वही स्विचेस होते हैं, वही सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना पड़ता है, नए नए चैलेंज कई बार हमारे पास आ जाते हैं, नई प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं शायद जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ ऐसी कोई भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप नए चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है नेटवर्किंग फील्ड के अंदर। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो नेटवर्क में यहाँ पे मैं दो राउटर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम दो स्विच ले लेते हैं। बहुत छोटा सा नेटवर्क डिजाइन करेंगे क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से सारी चीजें समझा सकूं, लेकिन जितना आपको समझा सकूं उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको काफी नॉलेज है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपके पास क्लियर नहीं है, तो वो आपको यहाँ से हो सकता है आइडिया मिल जाए। आई एम नॉट श्योर कि कितना आइडिया आपको मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कहीं से भी कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो ये हम दो राउटर्स लेंगे और इनके बीच में जो है नेटवर्क डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम 10 सीरीज का जो है नेटवर्क यूज करेंगे और इस तरफ में हम जो है 20 सीरीज का जो है इस्तेमाल करेंगे नेटवर्क, और इन दोनों राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे 30 का नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल करेंगे। 30.0/24 का नेटवर्क जो है हम डिजाइन करेंगे यहाँ पे, सॉरी 30 दो बार हो गया, तो यहाँ पे हम जो है 30 का नेटवर्क जो है यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर इस कंप्यूटर के ऊपर जो है हम आईपी एड्रेस जो यूज करेंगे वो रहेगा आपका 10.1, 10.2, और इस तरफ में जो कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे 20.2। और यहाँ पर ये जो राउटर है ये इसके लिए क्या होगा, गेटवे कहलाएगा। तो गेटवे के ऊपर मैं जो है यहाँ पे 10.1 दे देता हूँ और इस तरफ में हमारे पास जो है 20.1 दे देंगे, 20.20.1 यहाँ पे गेटवे रहेगा, और अभी इसको हम कॉन्फिगर करते हैं। तो चलते हैं राउटर के अंदर। तो बेसिकली जो भी हमारे राउटर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट उनका जो पोर्ट होते हैं वो आपके बंद होते हैं, ठीक है, जब भी मैन्युफैक्चर होके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं इंटरफेस, यहाँ पे आपका फास्ट ईथरनेट है और यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0/1 है। तो इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं अब वहां पे बहुत सारी वीडियोस आपको सीखने को मिलेगी। इनफैक्ट एक तो कुछ 72 वीडियोस जो है CCNA के भी चढ़ा के रखे हैं, जो कि अभी उसमें से काफी कंटेंट जो है पुराना हो चुका है क्योंकि काफी पहले 2016 के आसपास की चढ़ी हुई है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, लेकिन जितना भी आपको बेसिक नॉलेज तो आपको जो है नेटवर्किंग का वहां से मिल ही सकता है, तो आप वो चीजें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस देंगे 10.1.255.255.255.0 और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे नो शटडाउन। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं इंटरफेस F0/1 पे और आईपी एड्रेस हम दे देते हैं यहाँ पे 30.1.255.255.255.0 और इसको भी हम कर देते हैं नो शटडाउन, ठीक है जी, ये हमने नो शटडाउन कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक दोनों राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फिगर कर देता हूँ EGRP1, और यहाँ पर जो है नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं। दो नेटवर्क है यहाँ पे, एक तो 10.0 है और दूसरा नेटवर्क जो है यहाँ पे 30.0 का है। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और राउटर नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं इधर स्लाइड करता था कि आप लोगों को विजिबिलिटी रहे, और यहाँ पर हम कॉन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पे पहले जब भी आप राउटर स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे देखो ये डायलॉग देखने को मिलेगा, ये पैकेट ट्रेसर जो है
आप बहुत आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि कहाँ से पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत थर्ड क्लास वेबसाइट से, सॉरी नॉट थर्ड क्लास, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से जो है, थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे आउटडेटेड भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो सिस्को का लेटेस्ट पैकेट ट्रेसर जो है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके यहाँ पे आप लिखो नेट अकैड, ठीक है, नेट अकैड करके आप यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। नेट अकैड बेसिकली ये सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आगे चल के अगर आप जो है सिस्को की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कुछ भी अपना चाहे एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना वगैरह चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको जो है सभी जगह पे ये जो अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा। और इसका एक और बेनिफिट है क्योंकि सिस्को बहुत सारे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करता है तो उसके वेबिनार्स करता है, तो वेबिनार्स की आपके पास डिटेल आती रहेगी, तो इन दैट केस आपके लिए एक ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये netacad.com पे जाना है, ये सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग एकेडमी आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एनरोल, आपको एनरोल पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करेंगे फिर आपको ये पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कई सारी लैंग्वेज हैं, आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है, साइन अप टुडे पे इंग्लिश पे क्लिक करना है। अगर आप में से कोई अब्रॉड से है तो आप अपने अब्रॉड से देख सकते हैं, अगर आपको कोई लैंग्वेज आपकी समझ में आती है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट जो इंडिया से हैं या जिनको इंग्लिश प्रेफर है तो आप इंग्लिश में जो है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको आपका नाम, ठीक है, आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और आपका ईमेल आईडी, तो यहाँ पे लिखा हुआ टू रिसीव एक्टिवेशन लिंक, ईमेल आईडी हमेशा सही चेक डालें, एक बार रीचेक कर लें, और उसके बाद ये आपका टिक करने हैं नहीं करने आप लोग ये पढ़ लें, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दे रहा है तो ये कैप्चे को आपको आंसर करना है और आंसर करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे जो आपने ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक लिंक आएगा, जिस बेसिकली वो एक्टिवेशन लिंक होगा। जैसे ही आप उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे वहां पे आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो जैसे ही आप वहां पे कंफर्म करते हैं तो आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो पासवर्ड जैसे ही आप वहां पे एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे आप वहां पे पासवर्ड में एंटर करेंगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, वापस आपकी इस नेट अकेड पे आना है, यहाँ पे देखो लॉगिन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो आपने आईडी, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपने डाला है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो आप देखते हैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी इसने पहले से पिकअप कर लिया। अब जो मैंने पासवर्ड सेट करा था वो मैं पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये पासवर्ड अपना एंटर करोगे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन के बाद आपको इस नेट अकैड की जो इनसाइड के जो सोर्सेस हैं वो आपके पास एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है रिसोर्सेस पे, रिसोर्सेस पे आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पैकेट ट्रेसर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लेटेस्ट पैकेट ट्रेसर डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ इसके कई सारे और बेनिफिट हैं। बेनिफिट क्या है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होता है तो ये ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोई इसका सर्टिफिकेशन चाहते हैं, एग्जाम वगैरह करना चाहते हैं, वहां पे क्या डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो भी आप यहीं से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका सोर्स जहां से आपको डाउनलोड करना है पैकेट ट्रेसर। अब मैं मनीष, आपका जो भी सवाल है आप प्लीज नोट करके रखें, मैं भी आपको थोड़ी देर में टाइम दे रहा हूं, तब आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे राउटर पे थे, इस पे हमें कॉन्फ़िगर करना था, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं, आईपी एड्रेस
तो यहां पर हमारा जो आईपी एड्रेस गेटवे पे आएगा दैट इज 20.1, तो यहां पे हम लिखेंगे 20.1.255.255.255.0, नो शटडाउन कर देते हैं, सॉरी नो शटडाउन कर देते हैं। और इसके बाद जो है हमें सेकंड इसका इंटरफेस राउटर का है F0/1, उस पे भी आईपी एड्रेस देना है। तो हमने 30.1 उस तरफ दिया था, दूसरे राउटर पे दिया था यहाँ पर, अब यहाँ पे हम देंगे 30.255.255.255.0, तो ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। अब जिसने यहाँ पे नो शटडाउन करते ही हमारे राउटर के सभी पोर्ट्स जो हैं अप हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अभी राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करा, तो यहाँ पे राउटर EIGRP 1 कर देते हैं। और यहाँ पर हम नेटवर्क एडवर्टाइज कर देते हैं, यहाँ पर एक तो है 30.0, दूसरा है हमारे पास यहाँ पे 20.0, तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फिगर कर दिया है। तो ये आपका नेटवर्क पूरा रेडी हो चुका है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे जो है मैं आपको 20 से ये 10.2 को पिंग करके दिखाता हूँ। पहले इसको हम आईपी एड्रेस कॉन्फिगर कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 20.2 और गेटवे हमें जरूर देना है यहाँ पे 20.1 इसका गेटवे है, तो ये हमने दे दिया। दूसरे कंप्यूटर को भी आईपी एड्रेस दे देते हैं पहले, और यहाँ पे जाकर हम कॉन्फिगर करते हैं 10.2 और गेटवे हमारा जो है वो 10.1 है इसके लिए, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ से पिंग करके देखते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं 10.2 को पिंग करता हूँ, तो जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें एक बार रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम ईआरपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, बेसिकली वो हमारा यहाँ पे काम करा होता है। तो ये आपका एक बार क्लियर हो गया, हमें रिप्लाई आने लग गया, यानी कि इन दोनों राउटर कंप्यूटर्स के बीच में अभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे ACL इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि हम स्टैंडर्ड नंबर ACL जो है वो इस्तेमाल करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर ACL जो है इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम स्टैंडर्ड नंबर ACL करते हैं तो हमें 1 से लेके 99 तक का कोई भी एक नंबर इस्तेमाल करना होता है। हम यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे हमारी कंडीशन लगाते हैं कि हमारा क्या करना है इसके अंदर, इस ACL को जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इसके अंदर हम करना क्या चाहते हैं। तो हम ये करना चाहते हैं कि ये जो 192.168.20.2 जो है वो आपके इस 10 के नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 जो है वो शुड नॉट कम्युनिकेट विद आपका 192.168.10.0 नेटवर्क, तो इसके साथ में ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जब भी हम ACL डिफाइन करते हैं तो बेसिकली इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल ये होते हैं कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो कंडीशन है, जो टाइप ऑफ आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो आपका सोर्स पे लगेगा कि डेस्टिनेशन पे लगेगा। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नंबर ACL है वो आपका हमेशा डेस्टिनेशन के क्लोज में लगाया जाता है, तो हम इसको इस राउटर के ऊपर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे इस राउटर पे चलते हैं कॉन्फिगर करने के लिए, यही कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। तो एंड करते हैं यहाँ पर, वापस चलते हैं ग्लोबल कॉन्फिगरेशन पे। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेस लिस्ट, फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 से लेके 99 तक जो है हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं 1, ठीक है, सॉरी 1, और इसके बाद हमें कंडीशन डालनी है। तो कंडीशन क्या है, डिनाई करना है, किसको डिनाई करना है, डिनाई होस्ट, तो आपका कौन सा होस्ट है यहाँ पे जिसको डिनाई करना है, तो 192.168.20.2, ठीक है, ये जो 20.2 वाला जो कंप्यूटर है वो आपका कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। जैसे इसका 20.2 का कोई डेटा पैकेट यहाँ पे आता है तो ये उसको क्या कर दे, डिनाई कर दे, यानी कि ब्लॉक कर दे। ये हमने कंडीशन लगा दी। इसके बाद आपको हमेशा यहाँ पर अलाउ करना होता है, एक स्टेटमेंट आपको लगानी होती है जिसके अंदर आप कंडीशंस को अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे उसको, ठीक है। तो यहां पर हम अभी परमिट स्टेटमेंट लगाने के लिए क्या करना है, हमने वापस से एक्सेस लिस्ट 1 और यहां पे हमने लिखना है स्पेस देके परमिट एनी, यानी कि इसके अलावा 20.1 के अलावा जो भी आपके पास पैकेट आए उसको क्या कर दे, अलाउ कर दे। तो ये हमने एक स्टेटमेंट लगा दी। तो उसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्शंस देखने होते हैं कि आपका जो डेटा है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है।
तो अभी हमारा 20.2 यहाँ पे है, तो हम अगर ये राउटर से ऐसे डेटा आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, अगर हम इस पोर्ट के ऊपर लगाते हैं तब आपका डायरेक्शन होगा इन, अगर आप F0/0 पे लगाते हैं तो यहाँ पे आपका डेटा का जो है वो डायरेक्शन होगा आउट, क्योंकि वो इस पोर्ट से बाहर आ रहा है इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो हम यहाँ पे F0/2 के ऊपर लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, वापस यहाँ पे राउटर पे चलते हैं और अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस F0/0 और इसके अंदर जाके लिखेंगे हम आईपी एक्सेस ग्रुप 1। ठीक है, 1 हमने कहां से लिया, क्योंकि ये हमने 1 नंबर इस्तेमाल करा है। तो उसके बाद हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपका आउट है। तो मैं यहाँ पे आउट को एप्लीकेबल कर दिया। अब हम एंड करते हैं यहां पर, शो एक्सेस लिस्ट करते हैं, तो आप देखते हैं हमारी स्टेटमेंट लग चुकी है। 20 डॉट को हमने 2 को हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद हमने बोला परमिट एनी। तो चलिए अभी हम यहाँ से जहां पे पहले रिप्लाई आ रहा था अब हम एक बार पिंग करके देखते हैं, तो अब हमारा रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आया, रिप्लाई फ्रॉम 30.1 और हमें क्या मिल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो अनरीचेबल है, रीच नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये ब्लॉक हो गया। अभी चलो के वापस हम सॉरी कंप्यूटर पे चलते इस राउटर पे चलते हैं, इस राउटर पे जाकर अब अगर मैं दोबारा से यही कमांड चलाता हूँ शो एक्सेस लिस्ट, तो देखो आपके यहाँ पे 4 पैकेट पहुंचे, 4 पैकेट आए, लेकिन आकर मिले मैच कहां पर हुए, आपके डिनाई वाली स्टेटमेंट पे। लेकिन अगर यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर यहां पर एक और कंप्यूटर ले लेता हूं, ये मैं एक और कंप्यूटर यहां पे ले लेता हूं और इसको जो है हम कनेक्ट कर देते हैं इसी स्विच के साथ में और इसको मैं एक अलग आईपी एड्रेस दे देता हूं। तो आईपी एड्रेस क्या देते हैं हम यहाँ पे 20.3 कर देते हैं और गेटवे इसको देते हैं 20.1। ठीक है, ये हमने दे दिया, ये पोर्ट एक बार अप हो जाए। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे क्या है 20.3 है, तो 20.3 को हमने कहीं पे ब्लॉक नहीं करा है। ठीक है, हमने ब्लॉक स्टेटमेंट किसके लिए डाली, सिर्फ और सिर्फ हमारे डाली है यहाँ पे 20.2 के लिए। तो 20.3 के लिए हमने कोई भी ब्लॉक स्टेटमेंट नहीं डाली, ये पोर्ट अप हो चुका है। अब मैं इससे 20.3 से पिंग करके दिखाता हूँ 10.2 को। तो यहाँ पे देखते हैं 10.2 को पिंग करते हैं, तो ये देखिए इसका रिप्लाई हमें मिल रहा है, यानी कि जिसको हमने ब्लॉक करा वो ब्लॉक हुआ, जिसको हमने ब्लॉक नहीं करा वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। वापस चलते हैं राउटर पे। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे देखें तो अब आप देखते हैं जो आपके 4 पैकेट आए इसके 20.3 के वो कहाँ पे मैच करे, आपके परमिट एनी पे। तो ये इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं इसके अंदर सिक्योरिटी बनाने के, डेटा को फिल्टर करने के, नेटवर्क टाइप से, सबनेट के हिसाब से, पोर्ट के हिसाब से और उसकी सर्विसेज के हिसाब से। तो हम कई तरीकों से जो है यहाँ पे अपने नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद जो है और भी कई सारी चीजें होती हैं हमारे पास करने के लिए, जैसे कि ये हो गया आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बाद हमें यहाँ पर एक होता है AAA। AAA सर्वर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए। क्यों, अब ऐसा क्यों होता है, AAA के इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका कारण क्या है, वह भी वो देखते हैं। तो मैं वापस से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और AAA सर्वर्स हमारे लिए क्या करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इरेजर ले लेता हूँ और ये पूरा नेटवर्क जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जो भी मैंने गंदा सा ड्रॉ करके रखा था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि AAA का काम क्या होता है। तो ये आपका एक राउटर है, यहाँ पे एक और राउटर है, यहाँ पे एक और राउटर है, यहाँ पे एक और राउटर है, राइट। तो यहाँ पर इस राउटर को ये राउटर, ये राउटर और ये भी राउटर, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। ये हमारा राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, ये हमारा राउटर नंबर 3 और ये है हमारा राउटर नंबर 4। अब इनको अगर आपने सभी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक स्विच के साथ में इनको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपने एक कंप्यूटर लगाया, ठीक है, और इस कंप्यूटर पे आप खुद तो एक क्या हो, आप एक नेटवर्क एडमिन हो, आप क्या हो यहाँ पे, नेटवर्क एडमिन हो और आपके साथ में कुछ टीम मेंबर काम कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टीम मेंबर काम कर रहा है, इसका नाम है बॉब, ठीक है,
एक और टीम मेंबर है आपके पास यहां पर और इसका नाम है से फॉर एग्जांपल जॉन, ठीक है। सो यहां पे बॉब एंड जॉन जो है ये दोनों इस नेटवर्क एडमिन के अंडर में काम कर रहे हैं। अब दोनों को काम क्या है, क्योंकि ये भी आपका नेटवर्क इंजीनियर है और ये भी आपका नेटवर्क इंजीनियर है, तो दोनों ही इन सभी राउटर को डेफिनेटली काम करेंगे, इन राउटर्स के ऊपर में काम करेंगे, इनको कॉन्फिगर करेंगे, मॉनिटर करेंगे, बैकअप वगैरह लेंगे, अपडेट करेंगे, राइट, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो ऐसे में अगर अभी हम सिर्फ चार राउटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो चार राउटर में अगर आपने इन दोनों को एक्सेस देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर नंबर वन पे भी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए दोनों के लिए, और यहां पर भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा दोनों के लिए, यहां पर भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और यहां पर भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना। तो आपकी एज अ नेटवर्क एडमिन आपका क्या हुआ, काम बढ़ गया, ठीक है, कि जितने आपके पास यूजर हैं उतने आपको यूजर आईडी पासवर्ड हर डिवाइस के ऊपर जाकर क्रिएट करने पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल इसमें से जॉन ने जॉब छोड़ दी, इसकी जगह पे आपके पास जॉन की जगह पे कोई दूसरा आ गया, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बीइंग अ नेटवर्क एडमिन वापस से आपको राउटर 1, 2, 3 जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्विचेस हैं, राउटर हैं, उन सभी के ऊपर जाकर वापस से आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आपका काम जो है बीइंग अ नेटवर्क एडमिन बढ़ गया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिपल ए सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिपल ए सर्वर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर हम ट्रिपल ए सर्वर जो है वो कनेक्ट करेंगे। ये ट्रिपल ए सर्वर आपका क्या करेगा, आपको इसको कनेक्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है, इन राउटर्स को कॉन्फिगर नहीं करना है, अब आपको इन सभी के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो बस यहां पर क्रिएट कर देना है। बॉब के लिए यूजर आईडी क्रिएट कर दिया, जॉन के लिए कर दिया, या एक्स वाई जेड जो भी आपके नेटवर्क एडमिन इंजीनियर है उनके लिए आपको यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर देने हैं। तो जैसे ही आप यहां पे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, ये ऑटोमेटिकली जब ये इनमें से कोई भी इंजीनियर किसी भी नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर से राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 या जितने भी डिवाइस हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी, पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी यहां पे राउटर नंबर से, फॉर एग्जांपल राउटर नंबर 1 को एक्सेस करना है। राउटर नंबर 1 क्या करेगा, आपने क्योंकि इसको ट्रिपल ए के साथ में कनेक्ट कर दिया है तो ये आपका जो रिक्वेस्ट आई है उसको वापस से ट्रिपल ए सर्वर तक लेके जाएगा ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जो यूजर आईडी पासवर्ड उस तक पहुंचा है उसको परमिशन देना है एक्सेस करने के लिए कि नहीं। ये ऑथेंटिकेट कौन करेगा, ये ट्रिपल ए। ट्रिपल ए कैसे करेगा, ये अपने डेटाबेस में चेक करेगा, ओके बॉब यहाँ पे अवेलेबल है, यस बॉब की आईडी पासवर्ड अवेलेबल है तो आप इसको परमिट कर दो, तो ये जो है वापस ऑथेंटिकेट करके देगा। और जैसे ये वापस से ऑथेंटिकेट इसके पास पहुंचेगा राउटर नंबर 1 के पास, राउटर नंबर 1 क्या कर देगा, इसको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ये ट्रिपल ए सर्वर का हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। इसी तरह से हमारे नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए भी हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं वापस से नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए, हमें जो है बहुत तरीकों से चीजों को मेंटेन करना होता है, क्योंकि हमारे बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हमारे नेटवर्क में चल क्या रहा है वो सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ये आपका एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, ये यहाँ पे ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, ठीक है। तो अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो तो आप चाहते हो, आप क्या चाहोगे, आप मॉनिटर कब कर पाओगे आपके नेटवर्क को, जब आपको ये पता होगा कि R1 के अंदर मेरे चल क्या रहा है, ठीक है। और वो कब, आप R1 के अंदर कब क्या चल रहा है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, या तो आप इसको रिमोटली ऑनलाइन लेके लाइव उसके सामने बिल्कुल बैठे रहो, मतलब राउटर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल आपके सामने खुला रहे और आप उसमें देखते रहो कि क्या चल रहा है, ये एक तरीका है। बट हम एक ह्यूमन बीइंग है तो हमें खाने की जरूरत भी पड़ती है, हमें इधर उधर जाना भी होता है, तो हम यहाँ पे 24/7 राउटर को ओपन करके एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिसलॉग सर्वर मेंटेन करते हैं, ठीक है। सिसलॉग सर्वर में क्या होता है,
हम उन राउटर्स को इस सर्वर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, और इन राउटर को जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर राउटर नंबर वन पे क्या हो रहा है, ठीक है, राउटर नंबर वन के ऊपर में क्या हुआ है वो ऑटोमेटिकली सिसलॉग सर्वर पे आ जाएगा, राउटर नंबर टू पे क्या हुआ वो भी इसमें एंट्री आ जाएगी, राउटर नंबर थ्री पे क्या हुआ ये इसके अंदर एंट्री आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल राउटर नंबर थ्री जो है वो किसी भी कारण से आपका नेटवर्क से हट गया, अब आपको क्योंकि ये राउटर नंबर थ्री जो है वो नेटवर्क से हट ही गया है, अब आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, क्या हुआ था इसके अंदर एंड मोमेंट पे जब ये नेटवर्क से हटा, तो आपको नहीं पता है, राइट। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपके पास यहाँ पे एक सिसलॉग सर्वर है, ठीक है, इस सिसलॉग सर्वर को आप ओपन करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, ओके ये प्रॉब्लम हुई थी कि यानी कि इसका जो NIC कार्ड है ये पोर्ट का वो प्रॉब्लम हुआ, तो उसका जो है जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसकी एक लॉग जो है वो इसके पास आ गया, या इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल करप्ट हुई तो उसका फाइल मैसेज जो है यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये सिसलॉग जो है वो आपको आपके डिवाइसेस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सारी जानकारी देने के लिए, आप जो है नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए अगर आपके पास बहुत बड़ा लेवल का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अगर आपके पास आपकी कंपनी के पास बजट है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ जो SNMP प्रोटोकॉल के ऊपर में काम करता है, जिसको हम बोलते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, PRTG, ठीक है। ये PRTG जो है एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको अपने नेटवर्क के अंदर डाल दो तो आपके नेटवर्क के अंदर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर क्या चल रहा है वो सारी डिटेल, वो टाटा वाले कहते थे ना कि टाटा लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, तो मैं यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए ये बोलूंगा कि अगर आपने PRTG लगा डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला, क्यों, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये लगा दिया, क्योंकि ये हर वो इंफॉर्मेशन अगर क्रिटिकल है, आप चाहते हो कि वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का तुरंत आपके पास मैसेज आए, राइट, आपके पास मेल आए तो ये ऑटोमेटिकली शूट कर देगा, आपके किसी हायर मैनेजमेंट को भी जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी, आपको पूरे नेटवर्क के अंदर कितनी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो रही है वो चेक करनी है, आप यहां से देख सकते हो। बट ये क्या है, 30 डेज के लिए आप इसको ट्रायल के पर्पज से चेक तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तब आपको जो है यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये तो काफी कॉस्टली है, ठीक है, तो कॉस्टली है, इसके अंदर जो है एक सर्वर पे इंस्टॉलेशन 500 सेंसर, एक सर्वर पे इंस्टॉलेशन 1000 सेंसर्स, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सेंसर्स, सेंसर कहने का मतलब है टाइप, आप किन किन इवेंट्स को क्या करना चाहते हो, लॉक करना चाहते हो, ठीक है, क्रिटिकल इवेंट्स को ही करना चाहते हो, सिर्फ नोटिफिकेशन को करना चाहते हो, या सिर्फ आप जो है जितने भी उसके अंदर जनरेट हो रहे हैं उन सबको करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक सर्वर की लाइसेंस कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत कम कंपनीज जो है इसका इस्तेमाल कर पाती है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो है इस तरह के सर्वर्स का इस्तेमाल करती हैं, इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती है, तो बेसिकली ये अगर लग गया ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, तो ये चीज होगी आपकी, ठीक है, ये नेटवर्क मॉनिटरिंग का काम हो गया। तो इसके बाद जो है EEE का भी मैंने बता दिया, सिसलॉग का बता दिया, एक जो है यहाँ पे हमने सिसलॉग की बात कर ली, और मैंने आपको जो है PRTG का बता दिया, इसके बाद आपका जो है एक NTP प्रोटोकॉल जो है बेसिकली ये टाइम प्रोटोकॉल है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के अंदर, क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो वापस से हम चलते हैं यहाँ पे इसी व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे NTP प्रोटोकॉल जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब से फॉर एग्जाम्पल राउटर नंबर वन, राउटर नंबर टू, राउटर नंबर थ्री को आपने क्या करा, सिसलॉग सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, आपके लॉग जो है वो सारे सेट भी हो रहे हैं, जनरेट भी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई कहां पे आई, राउटर नंबर वन पे, दूसरी प्रॉब्लम कहां पे आई, राउटर नंबर थ्री पे, तीसरी प्रॉब्लम कहां पे आई, राउटर नंबर टू पे। अब अगर हम इनके टाइम की बात करें तो टाइम के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट प्रॉब्लम कहां पे जो है डिटेक्ट हुई, आपकी राउटर नंबर टू पे, लेकिन राउटर नंबर टू का जो टाइम है वो अभी सबसे पहले है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले स्टोर हो जाएगी,
दूसरी इवेंट जो है वो कहाँ पे हुआ, राउटर नंबर 3 पे, लेकिन इसका जो है आपका टाइम जो है वो सबसे लेट चल रहा है, तो यहाँ पे एक इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे नीचे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे में राउटर नंबर 1 के आपकी कोई एंट्री सबसे पहले होनी चाहिए थी, वो बीच में एंट्री। तो अगर आप इस सिसलॉग सर्वर को चेक करोगे तो आपको यहाँ पर देखोगे, ओके आप इस एंट्रीज के हिसाब से देखो, ओके पहले इशू कहाँ पे हुआ, राउटर नंबर 3 पे हुआ, फिर कहाँ पे हुआ, राउटर नंबर 2 पे हुआ पहले, फिर राउटर नंबर 3 पे हुआ, फिर कहाँ पे हुआ, फिर जाके राउटर नंबर 1 पे हुआ, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले कहाँ पे हुआ, राउटर नंबर 1 पे हुआ था। अब ये डिफरेंस जो है, ये सिसलॉग के अंदर जो एंट्रीज हो रही हैं वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। अब परफेक्ट में आप में से बहुत लोग बोलेंगे तो हम टाइम डेट तो अपना सेट कर सकते हैं। देखो हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, हम डेट सेट कर सकते हैं परफेक्ट, हम मिनट सेट कर सकते हैं परफेक्ट, हम सेकेंड नहीं कर सकते। सेकेंड तो छोड़ो, यहाँ पे मिली सेकेंड्स भी हम सेकेंड ही नहीं कर सकते, तो मिली सेकेंड सेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है हमारे लिए कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए सॉल्व, आपके लिए जो यूज होता है उसको हम कहते हैं NTP, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर। ये प्रोटोकॉल को अगर आप कर दोगे तो इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बेसिस पे जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवा सकते हो। तो ये NTP सर्वर क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली सभी जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका सर्वर है, चाहे वो आपके राउटर्स हैं, चाहे वो आपके स्विचेस हैं, सभी का टाइम एकदम परफेक्ट रखेगा मिली सेकेंड्स तक, राइट। तो ये आपका बिल्कुल, अगर आपने NTP यूज किया है उसके बाद अगर आप सिसलॉग मेंटेन कर रहे हो, तब इन दैट केस आपके लिए 100% जो है आपकी नेटवर्क मॉनिटरिंग आप सही तरीके से कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सिसलॉग कर तो रहे हो लेकिन आपको उसका सिक्वेंस समझ में नहीं आएगा, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करा, राइट। तो आज जो है हम इतना करते हैं, कल वापस से ये क्लास इसी टाइम पे हम लोग करेंगे, तो यही सेम आईडी जो आज आपने यूज करी है, यही सेम आईडी हम कल भी यूज करेंगे, तो आप सेम आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। और इसे में होगा क्या, कल हम जो है हमारा, अब तक तो मैंने आपको राउटर और बेसिक चीजें कवर अप करवाई हैं, कल हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में काम करेंगे, कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो कल हम लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद और आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, ताकि आप लोग जो है अपने अपने सवाल मेरे से पूछ सकें।